शाहरुख खान ने एक वक्त पर खूब कहा था। And if you mess with me, my fans will troll you. और ठीक यही हुआ है जी न्यूज की जर्नलिस्ट अनुज कुमार वाजपेयी के साथ। यस, आप गौर से देखिए इस पिक को। ये बंदा जी न्यूज की जर्नलिस्ट है जो किंग खान की फिल्म पठान को ट्विटर पर बॉयकॉट करने चला था, और उसके बदले में एसआर कैंस ने जिस तरीके से इनको रिप्लाई दिया है और बॉयकॉट जी न्यूज ट्रेंड किया है, उसके बाद इनकी प्रोफाइल की जो ब्लू टिक था, वेरीफाइड अकाउंट की जो सिंबल था, वो गायब हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो ये एक इंसल्ट भी है किसी बड़े शख्स के लिए कि आपको ट्विटर की तरफ से आपकी ब्लू टिक हटा दिया जाता है किसी काम के चलते। साथ ही साथ इन्होंने अपनी प्रोफाइल से जी न्यूज की यूआरएल, मतलब जो कहते हैं साइट की यूआरएल होते हैं, उसको भी हटा दिया है। पहले इसकी प्रोफाइल में जी न्यूज की यूआरएल थे, आप देख सकते हैं पिक में, और अभी की प्रोफाइल में इनकी कोई यूआरएल दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि किंग खान की फैंस बहुत ही ज्यादा तैयार हैं बॉयकॉट गैंग को रिप्लाई देने के लिए। तो ये तो अभी शुरू है, जब पठान की रिलीज नजदीक आएंगे तो पठान की नेगेटिविटी जो है और ज्यादा इंक्रीज होगा, बॉयकॉट गैंग एक्टिव हो जाएंगे, और उसके लिए भी पठान की सेना, मतलब किंग खान की फैंस जो है कमर कस चुके हैं अभी से, जिसकी नमूना अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग बताएं कि आप लोग कितनी तैयारी में हैं कि अगर कोई पठान को बॉयकॉट करने चला तो आप लोग किस तरीके से रिप्लाई देंगे, कमेंट सेक्शन में आपकी राय बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।